यस 7A फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड बेसिक पार्ट्स ऑफ सिस्टम. सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम. ये है मेरा सिस्टम, दैट इज आवर सीपीयू. एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ दैट बॉक्स इज सीपीयू बॉक्स. नंबर वन लिखिए सीपीयू बॉक्स. इसका नाम सीपीयू बॉक्स है. ये सीपीयू नहीं है, केवल ये बॉक्स है. सीपीयू बॉक्स, ध्यान से सीपीयू बॉक्स. और कैबिनेट, CABINET कैबिनेट. जितना लिखिए उतना समझ लीजिए, नहीं समझ रहे हैं तो हाथ उठाइए. सिर्फ नोट मतलब रट्टो मल मत बनिए. जिस डिब्बे के अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, वह पार्ट क्या कहलाएगा? सीपीयू बॉक्स. अगर हम अपनी बॉडी से इसकी तुलना करें तो हमारा बॉडी जो बाहर से दिख रहा है, हमको क्या लगता है कि शरीर यही है? नहीं, दिल बाहर नहीं है, लंग्स बाहर नहीं है, किडनी बाहर नहीं है, इंटेस्टाइन बाहर नहीं है, ब्लड्स नहीं है. आई एम राइट और रॉन्ग? इसके बाद भी अपेंडिक्स है, आँख की पूरी पूरा फर्नीचर होगा अंदर में, तभी तो देख पा रहे हैं. कान का पूरा सिस्टम होगा. तो ये जो सारे सिस्टम है, एक्चुअली वो काम करते हैं या हम काम करते हैं? नहीं, वो काम करते हैं और दिखाई ये देता है कि काम कर रहे हैं हम. नहीं, वही वाली बात है. उसी तरीके से जैसे लगता है कि फिल्म के पर्दे पर एक सिनेमा में एक हीरो एक पंच मारता है, चार चार लोग मर जाते हैं, या एक गोली से तीन तीन लोग जख्मी हो जाते हैं, ये सामने दिख रहा है. एक्चुअली उसके पीछे जो डायरेक्टर हैं, लाइट मैन है, एक्चुअली मेहनत उनकी है. तो बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है या फिजिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है? बॉडी पार्ट्स, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो दैट इज सीपीयू. सीपीयू का मेन कंपोनेंट हुआ मदरबोर्ड. एनी डाउट? नंबर टू मदरबोर्ड. नंबर टू मदरबोर्ड. मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं. समझ में नहीं आए तो हाथ जरूर उठाइएगा, केवल मुंडी उठा के बाहर मत चले जाइएगा, क्योंकि अगर इस क्लास में आप नहीं समझ पाते हैं तो आगे भी कभी नहीं समझ पाइएगा. हमारे बीच में कई नए स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक यह नहीं मालूम था कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू बॉक्स क्या होता है. राइट और रॉन्ग? राइट. ठीक है. अब तो इसी मदरबोर्ड को मैं आपको सामने दिखा रहा हूं. ये अब इसमें ये पार्ट ऐसे लगाया जाता है. देखिए हम जब ऐसे असेंबल करते हैं तो ये सारे स्विच हमको ये देता है. हम सीपीयू में जब पावर केबल लगाते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई भी तार लगाते हैं, वो तार इस डिब्बे में